और ये जो श्याम लाल जी हैं ये तो कोई काम के नहीं हैं, ये ना तो कभी आते हैं और ये इनके पास जाओ तो ये कोई काम भी नहीं करते हैं। ब्लोरो पूरा टमस में डूब गई और पूरे सब लोगों की जान चली गई, लेकिन श्याम लाल जी की वजह से कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरा नाम दिव्या ओझा है, मैं ग्राम कत्तपुर से हूँ। मैं हमारे गांव में थोड़ा प्रॉब्लम है उसके बारे में बताना है। और माननीय पूर्व विधायक रमाकांत तिवारी जी के बहुत अच्छे थे, वो यहाँ गढ़ी में पुल नहीं था, हम लोग स्कूल जाते थे, हमारे बड़े भाई बहन जाते थे तो नाव से जाते थे, लेकिन वो इतने अच्छे थे कि वो गढ़ी में पुल बनवा दिए। वो बच्चों का मतलब कि भला चाहते थे, मतलब सबका भला चाहते थे। और यहाँ त्योंथर में पीपा पुल था पहले, तो एक बार हादसा हो गया, कुछ लोग मतलब ब्लोरो से आ रहे थे तिलक चढ़ाकर, तो वहीं पर पीपा पुल की वजह से वो ब्लोरो पूरा टमस में डूब गई और पूरे सब लोगों की जान चली गई। और फिर रमाकांत तिवारी जी जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो वहाँ भी पुल बनवा दिए। हम तो वहीं कॉलेज जाते हैं त्योंथर में, लेकिन वो इतने अच्छे हैं कि वहाँ से हम लोग जाते हैं, अब भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमारे घर के सभी बच्चे वहीं पढ़े हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। और ये जो श्याम लाल जी हैं ये तो कोई काम के नहीं हैं, ये ना तो कभी आते हैं और ये इनके पास जाओ तो ये कोई काम भी नहीं करते हैं। हमारे घर के मतलब कि हम लोग कोई अर्जेंट काम भी पड़ जाए तो अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, पापा मम्मी से बोलते हैं कि इनके पास जाकर काम ये बोल दो, तो बोलते हैं उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए भी वो काम नहीं करेंगे तो बात की कोई वो नहीं होगा। और ये रमाकांत तिवारी जी थे तो वो मतलब कि जनता की सुनते भी थे, अच्छे थे, सब कुछ उनका अच्छा था। और अब तो इस दुनिया में रहे ही नहीं, लेकिन उनकी यादें इतनी अच्छी हैं कि उनको अभी भी सब लोग याद करते हैं। लेकिन ये श्याम लाल जी जो हैं तो इनका मतलब एक साल बचा है, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किए कि इनके मतलब अगले साल कोई जिता भी सकता है, कोई नहीं जिताएगा, ये कोई काम नहीं किए हैं। अच्छा हम लोगों के गाँव में रोड नहीं है, आज तक ये रोड नहीं बनवाए, हम लोगों के घर में जाने के लिए रास्ता नहीं है, सब लोग मतलब कि हम लोग तार के नीचे से निकल के जाते हैं, अब कि तार लग जाता है गिर जाते हैं, अंदर अपने घर के नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे रास्ता है। हमारे गांव के लोग ऐसे रूंधे हैं रास्ता को, हम लोग अंदर नहीं जा पाते हैं। और स्कूल कॉलेज होता है बरसात में, हम लोग स्कूल ही नहीं जा पाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब कि कचदर है। और अभी मतलब बाइक निकलने के लिए भी जगह नहीं है, बेड़ा से रूंध दिए हैं हमारे गाँव के लोग। लेकिन अगर शायद रमाकांत तिवारी जी होते तो शायद हमारे गाँव में भी रोड बन जाती, लेकिन श्याम लाल जी की वजह से कुछ भी नहीं है, अच्छा किसी काम के नहीं है। हम लोग गांव में आज तक रोड नहीं पहुंची, सिर्फ इनकी वजह से, इनकी कमी की वजह से। और हम लोगों के घर में जाने के लिए रास्ता नहीं है, ना तो रास्ता दिलवाते हैं ना तो रोड बनवाते हैं। हमारी बस यही ख्वाहिश है और वो भी है कि हमारे गांव में कम से कम रोड तो बनवा दें और हमारे हम लोगों को घर में जाने के लिए रास्ता तो बनवा दें जी।